press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बुलाता ही नहीं कोई, मैं बॉलीवुड क्यों जाऊंगा? आई हेट बॉलीवुड। लेकिन आप तो बॉलीवुड फिल्म का रीमेक बना रहे हैं। बेटा सोच से नफरत है, पैसों से नहीं। वाह। और वैसे भी ये बॉलीवुड वालों को ना फवाद खान और अली जफर जैसे बच्चों की आदत है, असली पाकिस्तानी मर्द तो उन्होंने बनाया नहीं आज तक। तो मुझे अपने हमारे हमारी कपल टॉक बिल्कुल। यू आर सिंगल हैं? या रणबीर कपूर भी सिंगल है ना आजकल? दोनों चिकने बन के बैठ जाते हैं। अरे मेरी जैसी पाकिस्तानी शक्लों वाले एक्टर का खुद को आग लगा रहे। गुड इवनिंग लेडीज, तुम जो इंडिया जाने की बात कर रहे थे ना, तुम्हें सीखना चाहिए हमारे लेटेस्ट कुछ लोग हैं, फरहान और उर्वा को देखो। हाँ। वो तो इंडिया से बहुत आगे निकल गए और फ्रांस में शिफ्ट हो गए हैं। हाँ मैंने देखी उनकी तस्वीरें, मैंने सुना फरहान सईद बट ने आईफल टावर के नीचे दुकान भी खोल ली है। ना करो। अच्छा पिछले दिनों में इंडिया क्या हुआ था? हाँ वहाँ फवाद खान के इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स और इतने ज्यादा माशाल्लाह बिलबोर्ड्स लगे, मुझे लगा ये फिल्म नहीं कर रहा है, यहाँ पे इलेक्शन लड़ने आए। वाओ यार। पर बहुत सारी तालियां फवाद के लिए, इंडिया जाके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सर। बैठे हैं बैठे हुए मारा खान बैठी हुई है, फवाद आया था लेकिन वो आ गया। फवाद की क्या बात है, मैंने उनकी फिल्म देखी अभी। कौन सी? कपूर एंड सन्स। हाँ, एक तो वो खूबसूरत है कपूर खानदान के, आधी फिल्म तक मुझे लगा वो आलिया भट्ट में इंटरेस्टेड है, आधी फिल्म के बाद पता चला वो तो महेश भट्ट में इंटरेस्टेड है। आई थिंक हमें भरपूर तालियां बजानी चाहिए बिकॉज द पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इज बैक बेबी, एक से बढ़ के एक हिट दिए हमने और दो तीन नए हीरोज तैयार किए हैं इंडिया के लिए। माइक पकड़ना। अभी ये क्या किया यार? I'm sorry. क्या बता? मुझे क्यों सॉरी कह रहे? उसका बोल है यार। अभी बोल तो देख के फेंकने लगा है। बड़ा स्टार आया। एक और मंगवा लेते हैं। कहाँ जाएगा एक और? वैसे भी तू इंडिया जाके बदल गया। Oh,